सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल के वीडियो में जो है हमने इंडक्टिव इफेक्ट जो है कंप्लीट कर लिया था एंड उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड उसके एप्लीकेशन जो है आपको मैकेनिज्म में कहां कहां यूज होते हैं, वो सारी चीजें जो है आज के वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज आज का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू आप जो भी अल्कीन के साथ में रिएक्शन करते हो या अल्काइन के साथ में रिएक्शन करते हो या फिर कोई भी कार्बन कंपाउंड के साथ में जब आप रिएक्शन करते हो तो उसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो इसी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का हम अपना हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जानने के लिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो पॉइंट्स आप समझ लो, उसके बाद में जो है इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है आपका परमानेंट इफेक्ट होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये आपका टेम्पोररी इफेक्ट होता है। ओके, ये आपका टेम्पोररी इफेक्ट होता है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ जो आपका मल्टीपल बॉन्ड्स जो कंपाउंड होता है, जो पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स में होता है, पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स में ही ये होता है। ठीक है, और तीसरा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज देखोगे तो ये जो पाई बॉन्डिंग कंपाउंड है वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके अल्कीन हो सकते हैं या आपका अल्काइन हो सकता है। ओके, एंड आपका नेक्स्ट है ये कार्बोनिल भी हो सकता है। कार्बोनिल कहने का मतलब इस तरह का कंपाउंड जिसमें आपका एक इस तरह ग्रुप प्रेजेंट होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, तो चलिए चलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बेसिक जो आपका एग्जाम्पल है उससे हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता कैसे है एंड इसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहला क्या है कि आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, किसी भी आपका एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो या फिर कोई एस्टर ग्रुप ले लो, उसमें इस तरीके का ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है। और जब आप एक न्यूक्लियोफाइल का जब इस पे आप अटैक कराते हो तो बेसिकली इस कार्बन पे अटैक होता है एंड इसका जो डबल बॉन्ड है यहां पे ये ऑक्सीजन की तरफ में शिफ्ट हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ में शिफ्ट हो जाता है तो आपका कुछ इस तरीके से जो है आपका नेक्स्ट इंटरमीडिएट जो है आपका बन सकता है, जो हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं वो है आपका ये। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो कि कार्बन पे पॉजिटिव आया है एंड यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो कार्बन के रिस्पेक्ट में जो है ज्यादा थी और इसी कारण से जो है यहां पे आपका कार्बन पे पॉजिटिव आया एंड ऑक्सीजन पे जो है आपका नेगेटिव चार्ज आया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो ये जो इफेक्ट यहां पे हुआ, जब कोई एक बाहरी कोई ग्रुप जब यहां पे आया उसके अटैक से या उस पे अटैक से इलेक्ट्रॉन का जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टमेंट होता है, जो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो रहा है टुवार्ड्स किसी भी एटम की तरफ में जो शिफ्ट हो रहा है, उसी इफेक्ट को जो है हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ये दो तरह का हो सकता है बेसिकली और उसके एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो आपने ये देखा होगा एंड ये किस तरीके का टाइप होता है तो वो बताऊंगा। सबसे पहला तो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिस तरीके से इंडक्टिव प्लस आई था एंड माइनस आई था, सिमिलरली जो है आपका इलेक्ट्रोमेरिक भी प्लस ई इफेक्ट होता है एंड माइनस ई इफेक्ट होता है। अब प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट क्या होता है यहां पे उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि इस तरीके से कंपाउंड है जिसमें जो है आपका किसी ग्रुप का, मान लेते कोई एक ग्रुप है वो अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हुआ। एक केस में ये भी तो हो सकता था कि यहां पे जो है कोई इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और यहां पे कोई एक ऐसा ग्रुप है, क्या ग्रुप हो सकता है वो बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से ग्रुप हो जिसमें ये जो है इसके तरफ में आए। दो केसेस आप देख रहे हो कि जब ये अटैक कर रहा है तो ये पाई बॉन्ड इस ग्रुप से दूर की ओर जा रहा है और जब ये अटैक कर रहा है तो ये पाई बॉन्ड इस ग्रुप की ओर जा रहा है। ये दो केसेस होते हैं, यही इसके दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब किसको प्लस ही कहते हैं एंड किसको माइनस ही कहते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अपना पहला टाइप, वो है हमारा प्लस ई
इफेक्ट है, ओके, प्लस ई इफेक्ट हम किसे कहते हैं? तो इसमें सबसे पहला जो है क्या होता है कि जो आपका पाई बॉन्ड होता है यहां पे प्लस ई इफेक्ट, ओके, देखो प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड होता है, ओके, जो पाई बॉन्ड होता है वो शिफ्ट होता है, ओके, वो शिफ्ट होता है टुवार्ड्स दी अटैकिंग ग्रुप, ठीक है, टुवार्ड्स दी अटैकिंग ग्रुप, इसे ही हम प्लस ई इफेक्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो पहला एग्जांपल ये देखा गया अल्कीन में, वो कैसे, तो देखो इस तरीके से एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसमें हमने क्या किया, एक H प्लस दे दिया। अगर आप इसका मैकेनिज्म करने के ऊपर में जाओगे तो ये अल्कीन जो है सिंपली जो है इस H प्लस के ऊपर में क्या करेगा, आपका पाई बॉन्ड जो है अटैक करेगा एंड आपका कुछ इस तरीके से जो है आपका कंपाउंड यहां पे इंटरमीडिएट बनेगा, जिसमें आप देख सकते हो यहां पे हमने हाइड्रोजन ले लिया और यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपका जो यहां पे बना है, जो भी आपका यहां पे इंटरमीडिएट बना है, ये आपका प्लस ई इफेक्ट के थ्रू बना है। सिमिलरली अगर आप यहां पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हो तो यहां पे आपके दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। सबसे पहला यहां पे H प्लस अगर आप दोगे तो एक केस ये हो सकता है कि CH3CH यहां पे पॉजिटिव हो सकता है, देन आपका ये CH3 हो सकता है जब ये पाई अटैक करेगा, और दूसरा ये हो सकता है कि CH3CH2 देन आपका CH2 पे जो है ये पॉजिटिव हो सकता है। तो ये आपके दो यहां पे केसेस हो सकते हैं। सिमिलरली जो है हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल, वो है हमारा माइनस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट का ये बेसिक आपका यहां पे डेफिनेशन था और ये बेसिक इसका एग्जांपल था। अब हम दूसरा यहां पे बात करने वाले हैं अपना माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस ई इफेक्ट के बारे में अगर आप बात करोगे तो जब आपको एक इस तरीके से कोई एक कार्बोनिल ग्रुप आपको दिया जाता है और जब इस पे कोई एक न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल बेसिकली इस कार्बन के ऊपर में आपका अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड जो है इस न्यूक्लियोफाइल से दूर जा रहा है। आप देखो ये अटैक इस तरीके से हो रहा है और ये इस तरीके से जो है दूर की ओर जा रहा है। तो ऐसा जो इफेक्ट होता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का जो शिपमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन या फिर आप कह सकते हो बॉन्ड शिफ्टेड अवे फ्रॉम अटैकिंग ग्रुप, ओके, अटैकिंग ग्रुप, इससे ये जो टाइप होता है इस तरीके को हम लोग बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जब अटैक किया तो आपका कुछ इस तरीके से कंपाउंड आपका फॉर्म हो रहा होगा, यहां पे नेगेटिव आ गया और यहां पे जो है न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक किया होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन जो है दूर की ओर जा रहा है। इसका बेसिक एग्जाम्पल के बारे में अगर आप बात करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो CH3 डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आपको CH3 दिया हुआ है। जब इस पे आप अटैक करते हो CH3MgBr का, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये क्या है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यहाँ पे CH3 पर नेगेटिव होता है प्रेजेंट, तो ये CH3 नेगेटिव डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा और आपका कुछ कंपाउंड जो है इस तरीके से फॉर्म करेगा जिसमें ये इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड C ऑक्सीजन पे नेगेटिव एंड आपका ये CH3 देन आपका ये CH3। तो ये जो इफेक्ट हो गया जिसमें पाई बॉन्ड जो है अवे फ्रॉम दी जो आपका अटैकिंग ग्रुप है उससे दूर की ओर जा रहा है, तो उसे कहते हैं हम माइनस ई इफेक्ट। तो उम्मीद है आपको प्लस ई एंड माइनस ई में डिफरेंस समझ आ गया होगा एंड दोनों क्या होता है वो भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इनके एप्लीकेशंस के बारे में। अभी जो बेसिकली मैंने जो एग्जांपल्स दिया है उसी से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस होंगे तो वो आपको मैं यहां पे क्लियर करता हूं। तो अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देंगे यहां पे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन होता है। सबसे पहला एप्लीकेशन के बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड। देखो इसकी अगर आप बात करोगे तो इसमें देखो होता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने आपको अभी इसका एग्जांपल दिया था कि इस तरीके से अल्कीन प्रेजेंट है और इस पे जब आप एक H प्लस देते हो तो सिंपली यहां पे अटैक हो गया और यहां पे जो है आपका इस कार्बन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाता है एंड यहां पे हाइड्रोजन आ जाता है। दूसरा अगर आप देखोगे CH3 यहां पे
और दूसरा अगर आप एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू हो गया, और इस केस में सबसे पहले जो है आप इसमें अगर वाटर का अटैक कराते हो तो आप सबसे पहला स्टेप में क्या होता है कि एच प्लस जो है इस पे अटैक करके जो है आपका कुछ इस तरीके से कंपाउंड आपका फॉर्म कर रहा होता है। अगर आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे याद है तो ये सी एच थ्री हो जाता है, देन यहाँ पे जो है एच टू ओ जो है नेक्स्ट स्टेप में अटैक करता है और यहाँ पे जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है सी एच थ्री, यहाँ पे ओ एच एंड यहाँ पे सी एच थ्री फॉर्म कर जाता था। तो ये रिएक्शन भी आप देख सकते हो जो आप सिंपली हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किन रिएक्शन करते हो उसमें आपका एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। तो ये हमने सबसे पहला आपको बता दिया। अब दूसरे एप्लीकेशंस के बारे में बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ओके ये इलेक्ट्रोफिलिक था, अभी मैं यहां पे ऊपर में ही चेंज करता हूं, ये आपका हो गया न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ यहां पे अनसेचुरेटेड है यहां पे कार्बोनिल, ये आपका दूसरा हो गया कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर में जो है ये हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें सिंपली क्या है, एक एल्डिहाइड हो गया, जैसे मान लो एग्जांपल सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच हो गया, और इसको सिंपली आप सी एच थ्री एम जी बी आर दे दोगे तो इस पे सिंपली एक मोल लेंगे अगर इसे हम, ठीक है वन इक्विवेलेंट लेंगे तो ये सिंपली आपका अटैक करके यहाँ पे हाइड्रोलिसिस अगर हम कर देंगे एच टू ओ प्लस तो यहाँ पे सी एच थ्री सी ओ एच यहाँ पे सी एच थ्री आपका फॉर्म हो जाएगा, सिंपली सी एच थ्री ग्रुप आ जाएगा एंड यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप ये एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक जब अटैक हुआ इस केस में ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ एंड ये जो इफेक्ट हुआ ये माइनस ई इफेक्ट के थ्रू हुआ, और ऊपर जो हमने किया था उसमें आपका प्लस ई इफेक्ट के थ्रू हुआ था, ओके उसमें आप लिख लेना। तो ये भी देख सकते हो ये दूसरा एप्लीकेशन था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, वो है हमारा यहां पे देखो एक चीज और ऐड कर लेना, कार्बोनिल मैंने कहा है तो एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया था, आप सिंपली जो है उसमें कीटोन का भी एग्जांपल ले लेना, ये सी एच थ्री और इसमें आप क्या करना सी एच थ्री एम जी बी आर दे देना और सिंपली आपका प्रोडक्ट जो है सी एच थ्री सी ओ एच देन आपका सी एच थ्री देन सी एच थ्री, ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है एच थ्री ओ पॉजिटिव, ठीक है ये आप एग्जाम्पल लिख लेना। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, वो एप्लीकेशन हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीनोइड्स, ओके आप देखो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन आपका हो गया यहां पे बेंजीनोइड्स, ओके या फिर आप बेंजीन ही कह लो। यहां पे सिंपली होता क्या है, जैसे आपने ये बेंजीन रिंग लिया, ठीक है ये आपका यहां पे तीन डबल बॉन्ड हो गए, इसे मैं इस तरीके से लिख लेता हूं डबल बॉन्ड को, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये हमारा तीन डबल बॉन्ड हो गया। अब होगा क्या इसमें, सबसे पहले जब आप इसे इलेक्ट्रोफाइल दोगे तो सबसे पहले ये बॉन्ड कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज अभी यहाँ पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा जो है ये इस तरीके से जो है केस फॉर्म हो जाएगा जिसमें यहाँ पे आपका जिसपे ये एरो का मार्क आता है वहां पे नेगेटिव आएगा और जिसपे जो एरो का ये टेल होगा जिस कार्बन पे वहां पे पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ओके और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब सिंपली यहां पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जब आप इसे एक इलेक्ट्रोफाइल दे दोगे तो ये नेगेटिव सिंपली अटैक कर देगा और अटैक करने के बाद में जो है यहां पे आपका एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा हमारा और यहां पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहां पे एक पॉजिटिव होगा, ओके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहां से लीव कर जाएगा और यहां पे जो है आपका फिर से जो है इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया आपका बेंजीन रिंग में। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर रिएक्शन करते हो, ये भी आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का जो है एप्लीकेशन होता है। और दूसरा एग्जांपल्स की अगर आप बात करोगे जिसमें हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, यहाँ पे बेंजीन है यहाँ पे एंड यहाँ पे हमने ग्रुप दे दिया ओ सी एस थ्री, ओके अब इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन पे जो है आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो सिंपली ये इधर शिफ्ट होगा, देन यहां पे आप क्या करोगे इलेक्ट्रोफाइल जब आप दे दोगे तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और यहां पे होता क्या है कि ये आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया यहां पे एंड यहां पे डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री यहां पे एक पॉजिटिव चला आएगा और यहां पे आपका एक नेगेटिव साइन यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से जो है अगर आप इसे एक इलेक्ट्रोफाइल दोगे तो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, यहां पे एरो का हेड आया तो नेगेटिव आ गया। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल पे जो है ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और अटैक करने के बाद में जो है आपका कुछ इस तरीके से जो है कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा जिसमें डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ये पॉजिटिव और यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो ये तो यहां पे एक्सेप्टेबल एक्चुअली होगा नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे सिंपली जो है यहां पे इसे ट्रांसफर कर देंगे और हमारा जो है
ये यहां पे जो है OCS3 पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होकर के जो है हमारा कुछ इस तरीके से जो है OCS3 एंड डबल बोन डबल बोन डबल बोन एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का जो है एडिशन हो गया। तो ये जो भी एप्लीकेशंस मैंने बताया ये हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड एप्लीकेशंस थे। तो ये हमारा बेसिकली इलेक्ट्रोमेरिक यहाँ पे इफेक्ट था एंड इनके एप्लीकेशन थे। अगले वीडियो में जो है हम रेजोनेंस को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो समझेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा, समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।